नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात होने वाली है, जो कि आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए इंटरव्यू का स्केड्यूल जो है, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए जो डेट्स है वो आउट हो चुके हैं। यानी कि आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा इंटरव्यू का स्केड्यूल आ चुका है कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर का हमने एग्ज़ाम दिया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, उसके लिए इंटरव्यू कब होने वाला है। यहाँ पे एक लिस्ट जारी करी गई है, यानी कि एक लिस्ट निकाली गई है जिसके अंदर बताया गया है किस किस कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होने वाला है इस बार जो आपका अप्रैल मंथ के अंदर होने वाला है। आपको बता दूं कि 7 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था आपका असिस्टेंट कमिश्नर का केंद्रीय विद्यालय के अंदर। इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम था इसका, आपको पता ही होगा। पहले आपका एग्ज़ाम होना था, उसके बाद इसका इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू जो है वो अप्रैल में स्केड्यूल करा गया है, यानी कि अप्रैल के महीने में इंटरव्यू होने वाला है आपका। जैसा कि आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से 4 एक नोटिस आए हुए हैं, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर कि उन नोटिस के अंदर क्या 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 कुछ जो है वो आया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ही हमें जो है 3 से 4 नोटिस देखने को मिल रहे हैं। पहला नोटिस हमारा ये है कि उन्होंने बताया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन वालों ने ये बात बताई है आपको कि अब जो है हमने इंटरव्यू स्केड्यूल निकाल दिया है आपका असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, आपने एग्ज़ाम दिया था 7 फरवरी 2023 के अंदर, तो अब आपका इंटरव्यू के लिए जो स्केड्यूल है कि आपका इंटरव्यू कब होगा, तो उसकी लिस्ट निकाल दी गई है और किस किस का होगा वो भी। मैं उस जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए कि कौन कौन इस बार इंटरव्यू देने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए 2023 के अंदर केवीएस के अंदर, तो उन सबका नाम एक बार हम डिस्कस करेंगे विद डेट ऑफ बर्थ एंड रोल नंबर कि भाई कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जिनका असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए इस बार इंटरव्यू होने वाला है। एक हमारा इंटरव्यू नोटिस है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरव्यू नोटिस आया हुआ है हमारे वेबसाइट पे केवीएस के, तो इस पर हम डिस्कस बात करने वाले हैं सारा कुछ की नोटिस में क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, और साथ में ही हम यहाँ पे पूरे लिस्ट को समझेंगे उस लिस्ट के अंदर किस किस का नाम है। सारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, सब कैटेगरी कैटेगरी सब कुछ लिखा हुआ है। सब कैटेगरी हो जाता है आपका रिजर्वेशन, जैसे यू आर कैटेगरी में सभी आते हैं, लेकिन सब कैटेगरी क्या हो जाता है उनका, जैसे मान लीजिए यू आर कैटेगरी में आपके अनरिजर्व में सारे लोग आ गए, बट जो हमारा एस सी एस टी कैटेगरी हो गया वो एक रिजर्वेशन कैटेगरी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है तो वो आपका सब कैटेगरी कहलाता है। मेन कैटेगरी सबका अनरिजर्व होता है, बाद में जो सब कैटेगरी होता है वो हमारे अलग अलग होते हैं, एस सी एस टी और इस तरीके से होते हैं, तो हम वो भी समझेंगे। और हर एक कैंडिडेट के अलग अलग डेट है, अलग अलग इंटरव्यू का डेट है, किसी का 10 अप्रैल को है, किसी का 13 अप्रैल को है, किसी का 17 अप्रैल को है, इस तरीके से है। 2 बार 2 स्लॉट में ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपको बता दूं एक स्लॉट आपका रखा गया है 2 से 4 दिन का, उसके बाद बीच में गैप देके फिर जो है दूसरा स्केड्यूल रखा गया है आपके इंटरव्यू के लिए। तो हम जानने वाले हैं कौन कौन इस बार जो है सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, तो फिर हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। साथ में आपका सर्टिफिकेट के लिए भी इन्होंने जो है फॉर्म निकाले हैं अपने वेबसाइट पर ही कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी और बाकी कैटेगरीज हैं और उसके अपने उसका सर्टिफिकेट परफॉर्म आपको देना पड़ता है। आपको पता होगा कि वो एक सर्टिफिकेट आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए भी इन्होंने बोला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको लगाना पड़ता है। अब जिस भी कैटेगरी से होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे जो है लगाना पड़ेगा, उसके लिए इन्होंने जो है अलग से एक नोटिस के अंदर आपको अलग अलग सर्टिफिकेट के फॉर्मेट लगाकर दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे 7 पेज की फाइल है पूरी। इस 7 पेज की फाइल के अंदर आपके अलग अलग सर्टिफिकेट है, आपका ओबीसी का अलग सर्टिफिकेट है और प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा, और देख सकते हैं आप ये, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इसी के अंदर तो यहाँ पे और हमें देखने को मिल जाता है जो हमारा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है और वो सारा कुछ जो अंडरटेकिंग और सारा कुछ जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। साथ में ये आपका लिंक है जिससे आप आसानी से जो है अपना इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय के अंदर, अगर आपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर 2023 के अंदर, तो उसका एग्जाम हुआ था, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जिससे कि आपको डाउट ना हो कि भाई ये किसके लिए नोटिस के बारे में बात हो रही है। तो 7 फरवरी को ये आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन अब जो है उसका इंटरव्यू का स्केड्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो
आप देख पाएंगे। आपको इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने वेबसाइट से, जिसपे साफ लिखा होगा आपका नाम और आपकी सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब होगा। साथ में ये भी लिखा होगा कितने से कितने बजे तक आपका इंटरव्यू होने वाला है, किस डेट पर इंटरव्यू होगा और किस जगह पर होगा। आपको बता दूं, नई दिल्ली के अंदर यानी न्यू दिल्ली के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो है हेडक्वार्टर है, उसी के अंदर आपका इंटरव्यू होने वाला है। आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, जो कि हमारा 10th अप्रैल यानी 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो हम उस नोटिस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वो नोटिस है। इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू बी फिल्ड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन KVS फ्रॉम 10th अप्रैल से लेके 13th अप्रैल एंड फ्रॉम 17th अप्रैल से लेके 20 अप्रैल। यानी कि आपको बोला गया 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। ये स्लॉट वन हो गया हमारा। सेकंड स्लॉट जो है हमारा 13 अप्रैल 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में होगा। तो मतलब हमें इतना तो समझ आ गया, हमारा अगर नाम आया है लिस्ट में तो हमारा या तो 10 से 13 अप्रैल के बीच में इंटरव्यू होगा या फिर हमारा 17 से 20 अप्रैल के बीच में इंटरव्यू होगा। अब हम बता दें, अब आपको बता दूँ, द कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 7th ऑफ फरवरी 2023। जैसा कि आपको बताऊं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हुआ था, आपको पता ही होगा। तो आपको उस हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड किया गया, उसके उसके जो मार्क्स आए थे आपके, उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए लोगों को चुना गया है जिन्होंने भी अप्लाई किया था। द कैंडिडेट ऑफ शॉर्ट कैंडिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट इज अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट। मतलब आपके केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, वहाँ पर आपको कैंडिडेट की लिस्ट दिख जाएगी। हालांकि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिंक जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपना इंटरव्यू का लिस्ट देख पाए, साथ में हमारा जो नोटिस है उसको भी देख पाए, और आपका एक सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है, जो आपके अलग अलग सर्टिफिकेट के बारे में बात हो रही है आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो उसको भी आप डाउनलोड कर पाए। तो उसके लिए मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उससे आसानी से इस चीज़ को देख सकेंगे। और प्रिपरेशन की बात करूंगा, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी में आपको चाहिए होगा प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू कैसे करना है, तो आप करें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम सोचेंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे। आपको बता देता हूँ वेन्यू, मतलब कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, आपको दोबारा बता देता हूँ। नई दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफ केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट में डाउनलोड देयर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, परफॉर्मा ऑफ OBC SC ST PH सर्टिफिकेट NOC और आपका सर्विस सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट आप जिस भी कैटेगरीज वाइज आते हैं उस तरीके से आपको उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। आपको उसका फॉर्मेट जो है इसी अलग से नोटिस के अंदर दिया गया है। परफॉर्म ऑफ बायोडाटा एंड अंडरटेकिंग, जैसे आपको बता दिया अंडरटेकिंग भी देते हैं कुछ लोग, कुछ लोग यहाँ पे जो है आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होता है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उसका भी सर्टिफिकेट हो सकता है। लेकिन अब आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे इंटरव्यू की कोई भी डेट चेंज नहीं होने वाली है। द वेब लिंक फॉर द डाउनलोडिंग द इंटरव्यू लेटर इज अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब कि जिस डेट पर आपका इंटरव्यू रखा गया है उस डेट पर आपको इंटरव्यू देने जाना है। अगर आप इंटरव्यू नहीं देने जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपका वो इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा, और जो आपने जिसके लिए अप्लाई किया था, अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए KVS के अंदर, तो आप वो भी जो है वो नहीं ले पाएंगे। इन्होंने बोल दिया है कि कोई भी रीजन हो, आप अगर नहीं आते इंटरव्यू के अंदर दिए गए समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो वो आपका वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नोटिस में साफ लिखा हुआ है। तो हमने नोटिस डिस्कस कर लिया, अब हम लिस्ट में नाम देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं, ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। तो आपको बता दूं, रोल नंबर वाइज लिखा हुआ है। देखिए, जैसे कि सबसे पहले सीरियल वाइज बात करूं तो 22 04 12 12 60 10 100 और 14, यानी कि 22 04 12 60 10 100 14, जिसका नाम नवेंदु परासर है, जो कि मेल कैंडिडेट है, जिसका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है 27 फरवरी 1980, और उसकी कैटेगरी जो है वो UR है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है, वो कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है। और उसकी इंटरव्यू जो डेट है उस कैंडिडेट की, वो आपकी 10th अप्रैल है, यानी कि इस कैंडिडेट को 10th अप्रैल को एग्जाम, अपना इंटरव्यू देने जाना है केंद्रीय विद्यालय के हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। अब मेन बात यहाँ पे ये टाइम के, टाइम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि क्या टाइम रहेगा, कितने बजे इंटरव्यू देने जाना है। वो जो टाइम होगा वो आपके जो कॉल लेटर होगा इंटरव्यू का, जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट पर, तब उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका क्या टाइमिंग रहने वाला है उस डेट का। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, 10 अप्रैल को आप देख रहे हैं यहाँ पे, 11 अप्रैल को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 11 अप्रैल को मोहित गुप्ता, मोहित गुप्ता एक कैंडिडेट का नाम है, जिसका डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो वो
6 मई 1975 का जन्म है उनका, और उनका जो इंटरव्यू की डेट है वो 11 अप्रैल है, यानी कि उनको 11 अप्रैल को इंटरव्यू देने जाना है। यहाँ पे रोल नंबर के साथ भी लिखा है, जिससे कि आपको अगर नाम से समझ नहीं आ रहा हो किसकी बात हो रही है तो ऐसे आप रोल नंबर से भी देख सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, टाइम आपको जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको दिखेगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का इंटरव्यू छूट जाएगा यहाँ पे, तो वो पोस्ट उसके हाथ से चली जाएगी, भले ही उसने एग्जाम दिया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा डेट वाइज लिखा हुआ है आपका, एक 12 अप्रैल को भी है, 13 अप्रैल को भी है, 13 अप्रैल के बाद सीधा आपका 17 अप्रैल को है, यानी कि 14th, 15th और 16th अप्रैल को कोई इंटरव्यू नहीं होगा इन तीनों पोस्ट के लिए। फिर डायरेक्ट आपका होगा 17 अप्रैल से। 17 अप्रैल को आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सुरेश कुमार मेल कैंडिडेट है, जिनका डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जनवरी 1972 का जन्म है, OBC NCL, यानी कि आपका अदर बैकवर्ड कास्ट में नॉन क्रीमी लेयर, मतलब नॉन क्रीमी लेयर आप जानते ही हैं कि जिनकी एनुअल इनकम, पूरी सालाना इनकम जो है 8 लाख से कम होती है, उनको बोला जाता है NCL में, OBC NCL के अंदर। अब यहाँ पे फैमिली की पूरी बात हो रही होती है, आपके फैमिली में कोई भी जो जो भी लोग कमाते हैं, जो भी लोग जो है इनकम जनरेट करते हैं, उनकी बात हो रही है, उनकी सबकी मिलाकर 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये आपका जो है 17 अप्रैल को इस कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होने वाला है। इसी तरीके से आप अपना भी देख सकेंगे यहाँ पे कि आपका किस दिन जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। लास्ट हमारा इंटरव्यू 20 तारीख को, 20 अप्रैल को जो है ख़त्म हो जाएगा, 20 अप्रैल को आखिरी इंटरव्यू है, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इन्हीं कैंडिडेट का इंटरव्यू होगा, आपको बता दूँ 173 कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट करा गया आपके इन तीनों पोस्ट के इंटरव्यू के लिए। तो हमने इंटरव्यू की लिस्ट की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट हमारे दिख रहे हैं, OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस तरीके से, आपको ये फिल करके अटेस्ट करना है अगर आपसे मांगा जा रहा है आप उस कैटेगरी में है तो। ये आप देख सकते हैं अलग अलग सर्टिफिकेट जो है उनके बारे में यहाँ पे फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, तो अलग अलग सर्टिफिकेट का अलग अलग फॉर्मेट हमने देख लिया, हमने इंटरव्यू के लिए कौन कौन सिलेक्ट हुआ है हमने वो भी देख लिया, और मेन बात हमने नोटिस की बात कर ली कब हमारा इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कैसे करें, हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे कि हमारा इंटरव्यू अब आ चुका है, लिस्ट में भी नाम है, बट हमें एक प्रूफ तो चाहिए कि हमारे पास एक पेपर में प्रूफ हो, एक सॉफ्ट कॉपी हो जिसमें हमें दिख सके कि हमारा नाम हो और उसके साथ हमें दिख रहा हो कि हमारा इंटरव्यू है इस डेट पर इस टाइम पर। सारा कुछ हमें वहाँ पर दिखना चाहिए, वेन्यू के साथ कि किस जगह पर है, वेन्यू सबका सेम होगा केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर के अंदर। तो इतना बात तो हम सबको क्लियर हो ही गया है। अब देखिए ये वो लिंक है, इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, या फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड को, या फिर आप कह सकते हैं इंटरव्यू के एडमिट कार्ड को। एडमिट कार्ड आपका समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए एक आपका पेपर में सॉफ्ट कॉपी में निकाला जाता है सारा स्केड्यूल, आप सिर्फ आपके लिए जो निकाला जाता है कि आपको इस दिन जाना है, इस समय जाना है, इस जगह पर जाना है इस चीज़ के लिए। तो इस तरीके से होता है वो पूरा, वो हर किसी का अलग अलग होता है, वो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से वो आसानी से डाउनलोड हो जाता है। आपको बता दूं कि आपको एप्लीकेशन नंबर अगर आपका याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक मेन बात हमारी और डिस्कसिंग ये है कि एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको जब आपने जो अपना एग्ज़ाम दिया था अपना 7th ऑफ फेबररी को 2023 के अंदर इन तीनों पोस्ट के लिए, तो उसके अंदर आपको एडमिट कार्ड के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल जाएगी आपका एप्लीकेशन नंबर। हालांकि आपने जब प्रिंट आउट लिया था अपना फॉर्म फिल करके इस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर भी आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, और पासवर्ड वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्रिएट किया था सेम। अगर पासवर्ड नहीं याद है तो आप डेट ऑफ बर्थ, आपको जन्म तिथि अपनी याद होती है, वो डाल के आप आराम से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब मेन बात यहाँ पर यह, कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, वो भूल जाता है, तो उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं उसके लिए क्या जो है सॉल्यूशन है। तो अगर कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, मतलब कि मैं अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गया हूँ, तो ऐसे में उसको यहाँ पे क्लिक करना है, उसको यहाँ पे अपना नाम, अपने फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये चार चीज़ें डालेगा वो जो भी कैंडिडेट होगा मेल फीमेल कोई भी, तो वो अपना आसानी से जो है यहाँ से अपना इसके लिए इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएगा। समझ गए, इतना तो हमारे को क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूँ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहा हो डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरा 26 फरवरी 2021
एक का जन्म है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 26 फरवरी 2001 का जन्म। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालूंगा। सिक्योरिटी पिन क्या डालना होगा, जो नीचे लिखा आता है वही हमें डाल देना होता है, वो भी जैसे लेटर में लिखा हो। जैसे यहाँ पे लिखा है AX8544, ये मैं डाल के साइन इन करूंगा। मेरे को अपना आराम से एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, मतलब कि मेरे को उसमें नाम दिखेगा अपना, मेरे को उसमें अपना कैटेगरी दिखेगा, मैं कौन से कास्ट से हूँ, कौन से जाति से हूँ, और मेरा किस जगह पर इंटरव्यू होने वाला है, किस टाइम पर होने वाला है, किस डेट पर होने वाला है, ये सब। और उसमें ये और इंस्ट्रक्शन जो है वो भी लिखे होंगे कि क्या चीज़ ले जा सकता हूँ मैं, क्या चीज़ नहीं ले जा सकता। इस तरीके से आपको अपना आराम से जो है यहाँ पे इस चीज़ को डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरा जो अपडेट था आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के तरफ से, जो कि उनकी वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है, आज ही के दिन में ये चीज़ जो है नोटिस आया है 27 मार्च को, जो मैंने आपके साथ पूरा इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।